नागपुर के आपराधिक जगत में अंतर्राज्यीय गतिविधियां बढ़ गई है। नागपुर के इमामवाड़ा परिसर में एटीएम मशीन का पावर कट कर नकदी उड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने राजस्थान के इस टोली के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी देश भर में घूमकर एटीएम को निशाना बनाते हैं। उनकी ठगी का तरीका अनूठा है। एक सदस्य मशीन में एटीएम डालता है, जबकि दूसरा मशीन के पीछे स्थित बिजली के बोर्ड के पास बैठ जाता है। पिन और राशि डालने के बाद एटीएम मशीन रुपयों की गिनती करती है। गिनती होने के बाद लॉकर से रुपए एटीएम की खिड़की पर पहुंचकर ग्राहक को हासिल होते हैं। नोट हासिल होने के बाद ही मशीन व्यवहार पूर्ण का संदेश देती है। एटीएम मशीन में नोटों की गिनती खत्म होते ही दूसरा बिजली के बोर्ड के पास बैठा सदस्य बटन बंद करके पावर में कट कर देता है, जिसके बाद यह मशीन फोड़कर पैसे लूट लेते हैं। पुलिस ने राजस्थान के इस टोली से आरोपी धर्मेंद्र अमर सिंह ताजी जोहरू को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि यह दोनों आरोपी राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। दिनांक 10/6/2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा उंटखाना यहाँ का एटीएम जो है वहाँ पे उनके जो टेक्नीशियन है उनको कुछ संदेहास्पद हलचल दिखी, तो उन्होंने उनको बैंक मैनेजर को कॉल कर दिया। तो उसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी मिली। इसके बाद कंट्रोल रूम ने जो नाइट ऑफिसर थे PSI राजेंद्र भुजाड़े, इनसे कॉन्टेक्ट किया गया। राजेंद्र भुजाड़े सर ने तुरंत कार्रवाई करके बीट मार्शल और उन्होंने तुरंत घटनास्थल पे जाके आरोपियों को देखा, लेकिन आरोपी वहां नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत नाकाबंदी और उनका सर्च किया, तो एरिया में वो दो आरोपी मिल गए। अभी तक आरोपियों से उनके अंग झड़ती में 20 एटीएम और कुछ कैश ऐसे 70,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। दोनों आरोपी जो है वो राजस्थान के, एक का नाम है धर्मेंद्र सिंह और दूसरे का नाम है साजिद जोहरू। ये दोनों भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इनकी मोडस ये है कि ये अलग अलग एटीएम में जाते हैं और अपना एटीएम डाल के जब पैसे निकलने वाले हैं तो दूसरा आरोपी जो है वो एटीएम का कुछ टेक्निकल बिगाड़ करके उसमें वो एटीएम बंद कर देता है। तो टेक्निकली आरोपियों को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बैंक को जो मैसेज जाता है कि पैसे गए नहीं है, तो उनके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। इस तरह ये अलग अलग जगह पे करते हैं। तो अभी तक इनके पूछताछ में राजस्थान पुलिस को भी हमने कॉन्टेक्ट किया है कि वहां पे इनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल है क्या, इसकी भी अगली तहकीकात चालू है। ये आरोपी जो है वो 9 तारीख को नागपुर में आए हैं और दिन भर घूम के उन्होंने रेकी करके 10 तारीख को ये वारदात की है। जो अलग अलग एटीएम मिले उनके अलग अलग नाम है, हमने बैंक से भी कॉन्टेक्ट किया गया है कि ये कौन कौन से अकाउंट पे है, तो इन फ्यूचर वो जो अकाउंट होल्डर है तो उनको भी अलग बुलाया जाएगा। ये अगर गैंग, अभी तो प्राइम ऑफिस लग रहा है कि इंटरस्टेट गैंग है, अभी भी इसमें और कुछ आरोपियों की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी प्राइम ऑफिस तपास चल रहा है, तो अगर जैसे जैसे निष्पन्न होगा तो आरोपी अगर बढ़ सकते तो उनको आरोपी किया जाएगा। पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब हैदराबाद स्थित कंट्रोल रूम में शिकायत की गई। कंट्रोल रूम ने CCTV फुटेज की जांच की तो पाया कि कोई नीचे बैठकर पावर कट कर रहा है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन देकर आरोपियों को मेडिकल चौक के एटीएम से गिरफ्तार किया है। जरूरत है कि लोगों ने भी अपने बैंक के व्यवहार एटीएम से करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।